हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए प्याज का नया अचार डाला है, जिसको इंस्टेंट अचार कहते हैं। वैसे तो अचार कई दिनों में तैयार होते हैं, लेकिन ये अचार जो है आपको 12 घंटे में 10 घंटे में खाने को मिल जाएगा। तो इसमें मैंने जो मसाले डाले हैं, बस सिंपल घर के मसाले, नमक मिर्च हल्दी और राई, जो इसको खटास देगी। और मैंने आपको एक पहले भी सिरके वाली प्याज की रेसिपी दे रखी है, जिसका लिंक आपको मेरे आई बटन पर मिल जाएगा। और ये अचार आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। और देखिए इसको बनाना कैसे है। मैंने ये छोटे प्याज ले लिए हैं, मैंने धो के सुखा के इनको साफ कर लिया है। और सब इनके अंदर मेरे को ऐसे चार कट करने हैं। देखिए मैंने इनको कर लिया है। इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जिसके अंदर ये हो गया हमारा नमक, ये देखिए हल्दी, ये है लाल मिर्च पाउडर। अब इसके अंदर मैं एक चम्मच डालूंगी, मैंने ये राई ली थी, पर छोटी वाली जो राई होती है, जिसका हम मिर्ची वगैरह में तड़का लगाने के काम में लाते हैं, उसको मैंने दरदरा कूट लिया है खलबट्टे के अंदर। आप देखिए फुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है, चूरा नहीं करना है, बस मैंने इसको पीस लिया है। अब हम इसको सारे में कोट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी मिलाएंगे। देखिए कितना फर्स्ट क्लास पानी का कलर आ गया है, और जो राई है वो इसके अंदर एक खट्टापन देगी। हमें पानी इतना डालना है कि हमारा प्याज जो है सारा इसके अंदर डूब जाए। अब हम इसको पूरे 24 घंटे के लिए ढक के इसको रख देंगे। उससे ये होगा, जो राई जो है वो अपना फ्लेवर इसके अंदर 24 घंटे के अंदर छोड़ देगी, जिससे हमारा अचार जो है इकट्ठा हो जाएगा, और फिर हम इसको बाद में देखेंगे। देखिए हमारा प्याज का अचार तैयार हो चुका है। इसके तैयार होने का एक ही हमारे को वो दिखता है, ये जो मैंने कल मसाले डाले थे इसमें राई। अब देखिए कल तो वो सारे नीचे बैठे थे, अब इसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल नज़र आ रहे होंगे, ये राई के हैं, ये अब पक के ऊपर आ गए। इसलिए देखिए हमारा अचार अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए प्याज, अब आप इसे खा सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं हम ऐसे ही अगली वीडियो में।